डेली प्रतिदिन आप तोड़ते हैं तो कितना फूल निकल जाता है? 1200 1500 2000 तक डेली का निकल जाता है। इसमें 26 लाख का सब्सिडी मिला है। गुलाब की खेती करने से 90 दिन के बाद फूल आना चालू हो जाता है और लगातार चलता है, मतलब इनकम डेली का। नमस्कार, आज हम छत्तीसगढ़ के कोंडेगांव जिले के चूरे गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे दो प्रगतिशील किसान हैं, एक महिला किसान है और एक पुरुष किसान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये दोनों किसान विगत कई वर्षों से रोज फार्मिंग कर रहे हैं, यानी गुलाब की खेती कर रहे हैं। ऐसे में आज आइए इन दोनों प्रगतिशील किसानों से जानते हैं कि इनकी सफलता का राज क्या है। सबसे पहले आप अपना परिचय हमें दीजिए। मेरा नाम रामसाय मरकाम, ग्राम चूरे गाँव, जिला कोंडेगांव, छत्तीसगढ़ का मेरा रहने वाला हूँ। मैम, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम श्रीमती सुनीता मरकाम, चूरे गांव के रहने वाली हूँ। आप दोनों पिछले कितने सालों से खेती कर रहे हैं? अभी हमारा गुलाब का खेती करते हुए 3 साल लगभग पूरा हो गया है। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये जो पॉली हाउस में जो फार्मिंग हो रही है, रोज फार्मिंग हो रही है, ये लगभग 1 एकड़ दायरे में है। तो इसमें ये लोग गुलाब की खेती करते हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुलाब की कौन सी किस्म है, कब इनकी सोइंग होती है, यानी इनकी बुआई कब होती है, और इसमें से कब कब कटाई होती है, कितने दिनों में कटाई होती है। तो आप क्या हमें बताएंगे कब कब इसकी बुआई होती है? बुआई तो एक ही बार होती है जी। उसके बाद जो है एक बार लगाने के बाद लगातार 5 साल तक चलती है। 5 सालों तक मतलब इसमें किसान जो है कटाई कर सकते हैं जी। और बात करें इसमें से फूलों की तुड़ाई की, तो कैसे तुड़ाई होती है इनकी? फूलों की तुड़ाई डेली करना पड़ता है। डेली करना पड़ता है जी। अगर औसतन माने तो अभी जैसे आपका 1 एकड़ रकबा है जी, तो और एक डेली प्रतिदिन आप तोड़ते हैं तो कितना फूल निकल जाता है? 1200 1500 2000 तक डेली का निकल जाता है। और जब इनको बेचने के लिए मार्केट में लेके जाते हैं आप, तो कैसे बेचते हैं? यहाँ से मेन मार्केट रायपुर है जी, तो वहाँ पे व्यापारी लोग हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं, हम भी उन व्यापारी लोग से कांटेक्ट करके जो है माल का जो सप्लाई करते हैं। अच्छा, आप जो भी खेती की शुरुआत किए थे, तो स्टार्टिंग में ही मतलब 1 एकड़ में खेती किए थे या फिर थोड़े से मतलब खेती किए उसके बाद फिर आपने मार्केट में डिमांड देखा तो फिर उसका दायरा आपने बढ़ाया? नहीं, ये पॉली हाउस जो है 1 एकड़ का ही बनता है। अच्छा जी, तो ये जो आपने पॉली हाउस जो लगा रखा है, इसके लिए आपने कहाँ कहाँ से आपको सब्सिडी मिली थी? केंद्र सरकार की स्कीम के माध्यम से जो है सब्सिडी मिला था। और इसमें आपका सहयोग किसने किया था? सहयोग इनका हेड ऑफिस जो है केवीके के माध्यम से जो है अपन जानकारी लिए और उनके माध्यम से जो है हम किसानों को जो लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कोंडेगांव से आपको मतलब सहायता मिली और उसके बाद से आपने उन्हीं के मदद से आपने इस सब्सिडी को लिया है जी। तो आपको इस पे कितना रुपए का सब्सिडी मिला है? इसमें 26 लाख का सब्सिडी मिला है। और प्रतिशत में बात करें तो कितना प्रतिशत सब्सिडी मिला आपको? 50% सब्सिडी मिला जी जी। यानी कि 52 लाख रुपए का है टोटल इसकी लागत जी जी। प्रोजेक्ट तो 60 लाख का है। अच्छा, उसमें अपन जो है 45 लाख का लोन लिए थे, उसमें अपने को जो है 26 लाख का जो है सब्सिडी मिला। और मैं देख रहा हूँ ड्रिप इरिगेशन का भी आपके फार्म में मैं देख पा रहा हूँ, तो इसके लिए भी आपने सब्सिडी लिया है या फिर? नहीं, एक ही मेथड कंप्लीट रहता है सर। अच्छा, आपका पॉली हाउस और ड्रिप इरिगेशन सब कुछ उसमें इंक्लूडेड था जी, जी। अगर हम आपके आपसे जानने की कोशिश करें कि जैसे आप 1 एकड़ में आपकी खेती कर रहे हैं, तो इसमें आपकी लागत कितनी आ जाती है सालाना लगभग? इसमें महीना का बताते हैं, महीने में कितने आ जाती है? अब इसमें 1 एकड़ में कम से कम 4 से 5 लेबर डेली काम करना पड़ता है। अच्छा जी। उसके बाद जो है खाद है, दवाई है, ये 30 से 40 हज़ार तक का जो है इसमें महीना का खर्चा आ जाता है। और लगभग बात करें इनकम की, तो महीने की इनकम कितनी हो जाती है आपकी? डेली के हिसाब से 4-5 हज़ार रुपये पर डे का हिसाब से लगा लीजिए इनकम हो जाती है, या फिर उसी में लागत भी है? उसी में लागत, मतलब आपका मंथ का जो टर्नओवर होता है लगभग 1.5 लाख रुपये का होता है,
और उसमें आपकी लागत होता है और मुनाफा भी। और आपने ये जो अपने फार्म में जो फूल लगा रखा है कौन से किस्म का है? गुलाब का डच रोज में टॉप ग्रेड से। अच्छा, वैसे पॉली हाउस में खेती करने पे बहुत सारी चुनौतियाँ कम हो जाती हैं, लेकिन इसमें आपको खेती दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इसमें भी बीमारी वगैरह लगते हैं सर। जैसे कि? जैसे थ्रिप्स का है, माइट्स का है, ये बीमारी अक्सर करके जो है किसानों को नुकसान पहुँचाती है। अच्छा, आप एक प्रगतिशील किसान हैं, पिछले 3 सालों से इसमें सफल खेती कर रहे हैं, तो जो किसान इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, आप अपने अनुभव के आधार पे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब गुलाब की खेती करने से क्या है सर, अपन धान और मक्का की खेती करते हैं, उसमें 4 महीना 5 महीना वेट करना पड़ता है। अब गुलाब की खेती करने से 90 दिन के बाद फूल आना चालू हो जाता है और लगातार चलता है, इसमें हमको वेट करने का चांस नहीं रहता, मतलब इनकम डेली का इनकम रहता है। तो आपके मुताबिक इसी बात से जो हम जो है प्रेरित होकर चालू किए हैं और आज तक करते आ रहे हैं। तो आपके मुताबिक जो गुलाब की जो खेती है किसानों के लिए लाभकारी खेती है। तो यह थी एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए कृषि गांव से जुड़े रहें। धन्यवाद।